जवाब दीजिए जल्दी हाँ, से आप। आडवाणी जी की यात्रा जो थी वो नकारात्मक यात्रा कहती है पूरी तरह से। वो कहीं ना कहीं एक धर्म के लिए, एक जाति, एक धर्म, एक मुद्दे को लेकर थी। वो भारत को जोड़ने के लिए नहीं थी। एक तरफ कहते थे कि हम जो न्यायालय का फैसला आएगा उसको मानेंगे, और एक तरफ कहते थे आस्था का विषय। वो एक नकारात्मक यात्रा थी, इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी ने उस यात्रा को रोक दिया था। अब बात आती है कौन कौन अलायंस किस किस के साथ। अभी आपने चित्रा जी काफी बड़ा बताया कि वो दो लड़के थे और ये था वो था। 28 पार्टियां जो 2014 में मोदी जी के साथ थी वो छोड़कर चली गई हैं। वो तो जीते हुए हैं, वो तो गैस की उसे जो गैस निकल रही है नाली से उसे पकौड़े भी तलवा रहे हैं देश से। अरे भाई आप तो 303 पर पहुंच गए, सारे के सारे दल आपको छोड़कर क्यों चले गए? हमारे चार लोग जो नेता थे हमारे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, वो अगर मौका देखकर चले गए, क्या कारण रहा, डर रहा, कोई लालच रहा, जो भी रहा, उस पर आज का विषय नहीं है, उसको तो सबको ज्ञान है। लेकिन जो 28 दल मोदी जी को छोड़कर चले गए, जो 30 30 40 40 साल से दल साथ थे, हिटलर शाही को छोड़कर चले गए, उसका ज्ञान किसी को नहीं है, दुर्भाग्य ये है। तीसरी चीज मैं यात्रा के बारे में बता दूं कि यूपी को आ नहीं छूकर चली सकते। गई, उसको छूकर चली गई, ऐसा नहीं है। केवल और केवल एक यात्रा का रूट बनाया गया कि पद यात्रा हो सके और सिक्योरिटी को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया। लेकिन इसके पैरेलल 29 के 29 राज्यों में हमारी पैरेलल यात्राएं चलेंगी। जिस तरह से एक नदी की सहायक नदियां होती हैं, सब राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा भी चलेगी। उसी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे कि कैसे भारत को जोड़ा जा सके। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यात्रा हो तो चुनाव, संगठन हो तो चुनाव। अरे भाई मैं तो पूछना चाहता हूं भाई, आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए, देश की चिंता कीजिए। आपको देश ने मैंडेट दिया था, भाइयों बहनों मित्रों, बस 5 साल दे दो, 60 महीने दे दो। अरे भाई 100 के पार आपने डीजल पेट्रोल के दाम पहुंचा दिए, उसका क्या होगा? ठीक है, बेरोजगारी हाईएस्ट जवाब पे ले आ लेते रही, हैं। उसके ऊपर समीर उत्तर पात्रा दीजिए जी, ना। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं चिंता मत कीजिए, जिस तरह से नदियों की सहायक नदियां होती हैं, वैसे हर जगह इस तरह की यात्रा चलती रहेगी। और कम से कम अब बीजेपी ये तो नहीं कहेगी कि सिर्फ पारिवारिक मुद्दों पर ही जब ईडी की रेड पड़ती है तब जाकर कांग्रेस सड़क पर उतरती है। अब कम से कम कई बड़े मुद्दों को लेकर सड़क पर तो हैं राहुल गांधी और संघर्ष कर रहे हैं। समीर पात्रा जी, नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस सड़क पे आ गई है और हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल सड़क पे रहे, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर आप देखिए कांग्रेस के कंफ्यूजन को। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राम मंदिर के विषय में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे थे? ये विषय तो एक धर्म का है, यह विषय तो देश को तोड़ने वाला है। मैं यहां सीना ठोक के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते कहता हूं, भव्य राम मंदिर का बनना यह किसी एक धर्म विशेष का विषय नहीं है, यह हिंदुस्तान जोड़ो का विषय है। जब भव्य राम मंदिर का निर्माण संपूर्ण हो जाएगा 2023 में, अरे राम 2024 मंदिर में, के, जब भी हमने राम समय दिया मंदिर के हुआ है, लिए मैं बीच में हम चित्रा जी भी इस एक शब्द पक्ष नहीं में बोला थे। था, ठीक चित्रा जी, है संबित जी, मैं आपको चित्रा जी रोकना मैंने पड़ेगा एक क्योंकि शब्द आप नहीं लोग बोला। सबको मैं तोड़ते पूरे मरोड़ दो। 5 मिनट कोई सुनना हमने नहीं कहा पड़ेगा। कि चित्रा जी यात्रा, आप इनकी ठीक है आवाज को राहुल शांत जी, मैं कराइए उनकी जरा, बात सुन लीजिए, बीच वो में नहीं आप बोला जब था बोल मैंने, रहे थे तो उन्होंने वो कुछ उन्होंने नहीं कुछ नहीं बोला। बोला। ठीक है, ठीक है, आप रथ इनको, यात्रा के समय आप जिस इनको तरह से शांत ठीक है, कराइए आपने चित्रा जी, नकारात्मक रथ उसको यात्रा बिल्कुल नहीं नहीं कहते। चिल्लाया था ठीक मैंने है इनके आलोक बीच शर्मा में। जी, उनकी दूसरे बात पूरी मैंने कीजिए। कहा रथ यात्रा ठीक नकारात्मक थी है, और कुछ दूसरे चिल्लाना धर्म बंद के लिए करवाइए। जिस तरह क्या के भाषण दिए, यात्रा भारत करेंगे नकारात्मक, यहां, ठीक बाहर है ठीक लेकिन है बैठ समीर के पात्रा सुनने जी, ही पा क्योंकि रहे हैं उनके यात्रा भी करेंगे। आलोक जी, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे, साध्वी प्लीज उनको विडंबना, बोलने दें। उमा भारती, ठीक तमाम है लोगों के भाषण सुनिए उस समय के रथ यात्रा चलिए, के। इनको आप केवल शांत भारत को कर दीजिए तोड़ने का चित्रा काम जी, किया, ठीक है चिल्लाकर तो हम अंग्रेजों लोग के बात नहीं समय कर से लेकर पाएंगे। आज तक। ठीक है, बोलिए, चलिए जो आरोप ठीक है, आपने लगाए हैं उस ठीक, पर जवाब ले लेते चलिए हैं। देखिए चित्रा जी, ये राम मंदिर को लेके कंफ्यूज्ड हैं, अपने अध्यक्ष को लेके कंफ्यूज्ड हैं, और ये क्या अंग्रेज अंग्रेज करते रहते हैं, जिसकी अध्यक्षा अभी तक भी यूरोपियन है, सोनिया गांधी कौन से झुमरी तलैया में उनका जन्म हुआ है, और ये क्या हमको अंग्रेज अंग्रेज बोलते रहते हैं? हम अंग्रेज हैं? गजब है भाई, आप आप हमको देखिए, चित्रा मैं जी एक अंग्रेज शब्द हूं नहीं बोलेंगे। ना, गजबे विदेश की हैं सांसद हम आप, लोग महिला याद गजब नहीं हैं, आएंगे चित्रा जी को? इटली में रहते हैं और और चित्रा जी हमको को महिला अंग्रेज याद नहीं अंग्रेज आएंगे? बोलते रहते हैं, दिन में 5 बार नहीं, हैं, अंग्रेजों एंटोनियो की तो माइनो कुछ और दूर है अंग्रेज यार आशीष हम, वाले लोग। अध्यक्षा आपकी एंटोनियो माइनो अंग्रेजों और को अंग्रेज माफी हम नहीं, हैं। इतना 60 रुपए की कहे पेंशन लेकर कैसे घुमटू अंग्रेज हैं? पर हम बैठते बताइए, हो एंटोनियो अंग्रेजों? माइनो अरे मैं कौन बता है रहा हूं और हम ना, कैसे अंग्रेज हो सुनिए गए? ना भाई, जरा अरे कैसे चित्रा जी, ना जरा इनका आवाज को बताता शांत तो हूं ना, करिए, फिर हम सुनिए जवाब देते जरा, हैं।